दोस्तों, जो आज हम कागज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इस कागज का आविष्कार किसने कब और कैसे किया था और भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ? अगर नहीं पता तो आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कागज का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कागज का उपयोग नहीं किया होगा। आज करेंसी यानी नोट से लेकर बच्चों की पढ़ाई हो या बैंक, व्यापार, अखबार, ऑफिस आदि का काम, सभी कागज के बिना संभव नहीं है। हालांकि आज के समय डिजिटल दुनिया में लोग कागज को अवॉइड करते जा रहे हैं, लेकिन आज भी इसकी जरूरत बहुत सी अहम जगहों पर पड़ती है। भले ही दुनिया कितनी भी आधुनिक हो जाए, लेकिन कागज की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपको बता दे कि कागज का सर्वप्रथम आविष्कार करने वाला देश चीन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। और जिस शख्स ने इस कागज का आविष्कार किया था, उस शख्स का नाम था कायलून, जो कि चीन के रहने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि चीन के रहने वाले कायलून ने 202 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। कायलून के इस उपयोगी आविष्कार से पहले लिखने के लिए आम तौर पर बांस या रेशम के टुकड़े काम में लिए जाते थे, लेकिन रेशम महंगा होने के कारण इसका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होने लगा था। और वहीं बांस थोड़ा सस्ता तो था, लेकिन ये भारी होता था, इसलिए इसका उपयोग भी कम किया जाने लगा। इसलिए कायलून ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो हल्का और सस्ता हो। तब उन्होंने भांग, सहतूत के पत्ते, पेड़ की छाल तथा अन्य तरह की रेशों की सहायता से कागज का निर्माण किया था। कायलून द्वारा बनाया गया ये कागज चमकीला, मुलायम और चिकना होता था। ये सस्ता और लिखने में आसान होने के कारण इसका इस्तेमाल धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा। इस उपयोगी आविष्कार के लिए इन्वेंटर कायलून को कागज का संत कहा जाने लगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कागज का पहला प्रयोग मिस्र में हुआ था। मिस्र में पेपर बनाने के लिए पेपिरस नाम के पौधे का इस्तेमाल किया गया था, जो नील नदी के पास उगाया जाता था। पेपिरस नाम के इस पौधे से ही पेपर नाम रखा गया था, जिसका मतलब कागज होता है। शुरुआत में कागज बनाने के लिए पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल पौधों को पानी से मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता था और उसके अंदर एक छन्नी डुबाई जाती थी। इसे धूप में सुखा दिया जाता था। इसके बाद अलग अलग पौधों को लेकर अलग अलग पेपर बनाए जाने लगे, और जैसे जैसे पेपर बनाने वाले सांचे में बदलाव होता गया, वैसे वैसे ही पेपर और भी बेहतर होता गया, और पेपर को बनाने में और भी ज्यादा आसानी होने लगी। पेपर का आविष्कार तो हो ही गया था, लेकिन चीन इस पेपर के बनाने के तरीकों को दुनिया में किसी को भी नहीं बताना चाहता था, और इसी कारण पेपर कई वर्षों तक सिर्फ चीन तक ही सीमित रहा। ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन चीन के बाद भारत ही वो देश है जहां कागज बनाने और इस्तेमाल किए जाने का प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के दौरान भारत में कागज के निर्माण और उपयोग के कई प्रमाण सामने आया है, जिससे ये साबित होता है कि चीन के बाद भारत में सर्वप्रथम कागज का निर्माण और उपयोग हुआ। भारत में कागज बनाने की सबसे पहली मिल कश्मीर में लगाई गई थी, जिसे वहां के सुल्तान जैनुल अबिदिन ने 1467 ईस्वी में स्थापित किया था। इसके बाद 1870 में कोलकाता के निकट बाली नाम के स्थान पर लगाया गया। इसके बाद भी टीटागढ़, बंगाल, जगाधरी और गुजरात आदि प्रदेशों में कागज बनाने के कारखाने लगाए गए। आज कागज को बनाने में घास फूस, लकड़ी, कच्चे माल, सेलुलोज आधारित उत्पाद का इस्तेमाल होता है। आधुनिक समय में पेपर की क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है, यह पहले के मुकाबले काफी सस्ता भी हो गया है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं,
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।